इंडियन पार्लियामेंट अटैक, जैसा कि पन्नू ने धमकी दी थी। 13 दिसंबर साल 2021 में भी इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था, तब गोलियां बरसाई गई थी और कई लोगों की जान भी गई थी। इस साल फिर से 13 दिसंबर को इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है। ये 22वीं बरसी थी और पन्नू जैसे आतंकवादी ने धमकी भी दी थी, तब भी सिक्योरिटी में कमी रह गई और इस तरह का वाकया सामने आया है। भरी संसद के बीच में टीयर गैस के गोले छोड़े गए। इन लोगों ने संसद की सिक्योरिटी को आसानी से ब्रीच कर लिया। इन्होंने जूते के अंदर कनस्टर छुपाया हुआ था, वो भी किसी प्लास्टिक की चीज में, जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाया। मशीन में मेटल से रिलेटेड चीज डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन केमिकल या प्लास्टिक जैसी चीजें डिटेक्ट नहीं हो पाती। और इसके साथ ये विजिटर गैलरी में चले गया। संसद में विजिटर गैलरी होती है, जहां पर आम जनता बैठकर संसद की कार्रवाई को देख सकती है। वहीं से इन्होंने अचानक जंप करी और संसद के बीच में कूद गए और टीयर गैस के गोले छोड़े। जैसे ही अंदर हंगामा हुआ, बाहर भी दो लोगों ने गैस के गोले छोड़े। टोटल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ में ये सामने आया कि वो लोग ये गैस के गोले कैसे लेकर गए थे। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट में ये घटना होना कई सवाल खड़े करता है।